हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकुरा में हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ हम मानसिक रुग्ण को रिश्तेदारों के साथ में रख के उनका इलाज करते, भर्ती करके। और दूसरा एक हॉस्पिटल है जहाँ मानसिक रुग्णों को और शराबी लोगों को या व्यसनी जो है, नशे वाले लोग हैं, उनको बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इच्छा मरण देना या नहीं देना, इसको यूथेनेसिया बोलते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ने मिला कि एसटी में रिटायर्ड हुए हुए ऑफिसर नारायण लवाटे, उनकी उम्र है 88 साल की, 88 इयर्स, और उनकी पत्नी जो इरावती लवाटे, तो दोनों भी अच्छे हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, मगर उन्होंने राष्ट्रपति की तरफ एक अर्जी की है कि हमको इच्छा मरण होना है, हमको भी मरने का है। अभी हम अच्छे हैं, कोई बीमारी नहीं है, मरना तो आखिर एक दिन है ही, फिर हमको इच्छा मरण दे दो, ऐसा उन्होंने अर्जी की हुई है। दूसरा, एक पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले दिलीप मेहता है, उनको पैरालिसिस हुआ है, वो बेड पे है कुछ महीनों से, अभी अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं है। बेड में उनका टॉयलेट वगैरह सब वहीं होता है, उनकी केयर उनके रिलेटिव लेते हैं, मगर अभी अच्छा होने का उनको कोई चांस नहीं है। उन्होंने भी राष्ट्रपति की तरफ अर्जी की है कि मुझे अभी मरने दो। अरुणा शानबाग की केस तो आपको सबको मालूम है कि केईएम में नर्स थी अरुणा शानबाग, वो कई साल कोमा में थी और उनकी नर्सिंग केयर केईएम के ही जो वार्ड में नर्सेस या जो भी थे डॉक्टर से, उन्होंने उसकी केयर किया और कई साल कोमा में थी और बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई। तो जिनको मालूम ही नहीं है, एक तीसरी कैटेगरी, जिनको मालूम ही नहीं कि अपन जीवित है कि नहीं है, उनको हमने मृत्यु देना या नहीं देना, मतलब सरकार ने, शासन ने उनको मृत्यु देना नहीं देना। क्योंकि एक मेरे एक रिश्तेदार है, उनकी उम्र करीब करीब 85 है, लेडी है, और पिछले 3 साल से वो बेहोश में है। बेहोश में मतलब वो चिल्लाती है, चीखती है, मगर उनको ये पता नहीं कि अपन कहाँ हैं। उनको ना तारीख मालूम है, ना दिन मालूम है, ना घर वालों को किसको वो पहचानती है। बेड में ही सब कुछ होता है उनका, टॉयलेट वगैरह, उनको खाना खिलाते तो वो खाती है, और वो बेहोश है। मतलब उनका हड्डी का, पैर के हड्डी का ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन के बाद में उनको होश आया, मगर वैसे वो बेहोश है कि उनको मालूम नहीं कि अपन कहाँ है, कहाँ नहीं, आज की तारीख क्या, पहचानती नहीं, कुछ नहीं है, 3 साल हो गए। तो फिर ऐसे लोगों का क्या करना? देखो, जो लोग बीमार है और जो लोग बीमार, ऐसी उनको बीमारी है कि उनको अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है मगर होश में है, वो यदि अर्जी करते हैं राष्ट्रपति के तरफ या कोर्ट के तरफ कि भाई हमको मरने दो, तो उनको जो सपोर्टिंग दवाई है वो दवाई हम बंद करते हैं और उनको मरने देते हैं, मृत्यु देते हैं, तो वो हो गया पैसिव यूथेनेसिया। मतलब उनको जो सपोर्टिंग मेडिसिन है वो बंद कर देना, वो पैसिव यूथेनेसिया हो गया। और दूसरा ये हो सकता है एक्टिव यूथेनेसिया, मतलब जैसा मैंने बताया कि वो लवाटे जो कपल है उनके बारे में, कि जिनको कोई बीमारी नहीं है मगर वो बोलते हैं कि अभी हमको ऐसा इंजेक्शन दो, ऐसी कोई दवाई दे दो कि जिससे हम मर जाएंगे, क्योंकि हमको अभी जीने का नहीं है, अभी हम जब तक अच्छे हैं तब तक ठीक है, हमारा कोई केयर लेने वाला नहीं है हमारे बाद में, तो हमको भी मरने दो। तो वो है एक्टिव यूथेनेसिया, मतलब एक्टिवली उनको मरने देना। तब ये जब हमारे मतलब शासन में, सरकार या राष्ट्रपति या न्यायालय इसके बारे में जो भी निर्णय लेंगे तब लेंगे, मगर अभी इसके बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जो एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, जिनको खुदकुशी के बार बार विचार आते हैं, या किसका मतलब प्रेम प्रकरण है, लव अफेयर है, वो ब्रेक हो गया, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं कि भाई हमको मरने दो, फिर उसमें तकलीफ हो जाएंगी, फिर उनको साइकियाट्रिस्ट की तरफ भेजो, उनकी कंडीशन देखो क्या है क्या नहीं। और जो लोग अच्छे हो सकते हैं उनके बारे में क्या, मतलब एक बार ये कायदा आ गया, एक बार वो रूल हो गया, एक नियम हो गया, तो फिर किसको देना है किसको देना नहीं, एक्टिव यूथेनेसिया, उसके बारे में काफी सारा प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा। अभी तक तो फिलहाल यही है कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिनको ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी से वो अभी अच्छे होने की कोई संभावना नहीं है, और 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उनको सर्टिफाई करते हैं कि अभी ये जो बीमारी है इसमें से
बचने के आंच करंट स्टेट में कोई ऐसी दवाई नहीं है, उसमें से कोई बचने के चांसेस नहीं है, तो उनको मरने दो। तो वो यदि सर्टिफाई करते तो उनको मरने देना चाहिए, उनकी उनकी दवाई वगैरह सब जो है सपोर्टिंग है, उनको जबरदस्ती खींचना और उनको जीने देना उसमें कोई मतलब नहीं है, तो एक वो है। और दूसरे जो है कि जिनको मालूम ही नहीं कि अपन जीवित है, मतलब पहला जो है कि वो खुद होके बोलते हैं कि हमको मरने दो क्योंकि अभी हमारा अच्छा होना कोई संभव दिखता नहीं है, मगर वो होश में है, होश में है, मगर बीमारी ऐसी है कि जिसमें उनको मरने की इच्छा है कि अभी अच्छे होने वाले नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो है कि जो बेहोशी है, कोमा में है, या उनको होश नहीं है, अपन कहाँ है कहाँ नहीं है, टोटल बेहोश है, तो उनके रिलेटिव्स ने यदि अर्जी किया कि भाई नहीं इनको जाने दो अभी, अभी अच्छे तो नहीं हो रहे, तो उनको डॉक्टर्स लोगों ने सर्टिफाई करके उनको मरने देना चाहिए। तो इस तरह के ये मतलब कायदा, इसका रूल, नियम, इसका पास होना बहुत जरूरी है। और ये जो है यूथेनेसिया, इसके ऊपर जरूर उसका मतलब चर्चा होना बहुत जरूरी है। और लोगों ने इस तरह का मतलब डिमांड किया तो इसमें कुछ ना कुछ कायदा आगे चल के रूल आया, मतलब ऐसा हो सकता है। तो ये जो वीडियो जो है, ये वीडियो आप इतना शेयर करो, इतना फैलाओ कि भाई ये कायदा बनाने वाले जो सर्वोच्च अपना लोकसभा है, वो बनाने वाले उनके तरफ ये पहुंच जाए, ताकि जो काफ़ी लोगों की डिमांड है इसके बारे में, इसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा। काफ़ी लोगों में ऐसी चर्चा होंगी, उनके मन में होगा, तो ये वीडियो जरूर आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।